हेलो फ्रेंड, मैं विकी कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल रेडियोटेक में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एच लुकअप विद ट्रिम फंक्शन के बारे में कि हम एच लुकअप के साथ अपने ट्रिम फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ डाटा कलेक्ट कर रखा है, जैसे कि जो आपने अगर यहाँ ध्यान दिया होगा तो जो मैंने वी लुकअप में डाटा कलेक्ट किया था वो आपका यहाँ वर्टिकली अरेंजेड था। और जो ये हमारा अभी एच लुकअप के लिए मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है वो हमारा हॉरिजॉन्टली अरेंज है। तो ये हॉरिजॉन्टली मैंने इसलिए अरेंज किया है ताकि जब हम एच लुकअप का फार्मूला अप्लाई करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप का फार्मूला अप्लाई करें, तो हम इसमें इजीली अपनी वैल्यू या लुकअप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पहले प्रोडक्ट पे अपना ड्रॉप बॉक्स लिस्ट अटैच किया है। प्रॉपर वे में समझने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को भी यहाँ देख सकते हैं, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करने के बाद मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट आ जाती है। और अब हम बात करते हैं अपनी मेन फार्मूले की। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मेरा यहाँ मेन बॉक्स है उसमें हमारा कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो हमारा मेन आपका डाटा बॉक्स है उसके अंदर हमारा हर एक प्रोडक्ट के साथ एक एडिशनल स्पेस है। अब उसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ करते हैं एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, पहला प्रोडक्ट वैल्यू सेलेक्ट किया, फिर हम यहाँ अप्लाई करेंगे ट्रिम फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हम यहाँ अपना पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस डाटा के अंदर से हमें अपना लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करना है वो लुकअप एरिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, फिर वो मांगेगा आपके रॉ इंडेक्स नंबर, यानी कि जिस रॉ का आपको आंसर चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्रोडक्ट कोड यूनिट एंड प्राइस, और हमें प्राइस चाहिए और जो कि हमारा फोर्थ रॉ है, तो हम यहाँ फोर टाइप करेंगे। और उसके बाद जीरो फोर एग्जैक्ट मैच एंड एंटर। और एंटर करते ही जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे हैशटैग वैल्यू ऑप्शन आता है, या फिर हैशटैग नॉट अवेलेबल भी ऑप्शन आ सकता है। अब ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम ट्रिम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं साथ में, तब आपको वहाँ साथ में आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ती है, जो कि होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। और ये आप अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा आंसर आ गया। तो आपको जब भी ये ट्रिम फंक्शन विद एच लुकअप या वी लुकअप अप्लाई करेंगे तब आपको वहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर अप्लाई करना है। और यहाँ मैं इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये नंबर से करेंसी में हो जाए। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपने देखा था, जैसे कि अब मैं यहाँ ऊपर से अगर इसके प्रोडक्ट का नाम वगैरह चेंज करता हूँ तो साथ में आपका आंसर भी चेंज हुआ। जैसे कि मैंने अब ले लिया आपके ये मोबाइल, तो मोबाइल के अकॉर्डिंग आंसर आया, फिर क्लॉथ तो क्लॉथ के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही अगर मैं सीडी या टीवी अगर दूसरी चीज़ें भी लेता हूँ तो भी उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन में। अब जिसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एडिशनल स्पेस लूँगा, और उन एडिशनल स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो मेन हमारा टेबल एरे है उसके अंदर हमारा कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं होगा, बल्कि जो हम ड्रॉप बॉक्स एडिट करेंगे उसके अंदर हमारा एक एक एडिशनल स्पेस होगा। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ करना है आपको इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, और फिर लेंगे ट्रिम फंक्शन ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, फिर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमें लेना है कॉमा, अपना टेबल एरे या जो हमारा लुकअप वैल्यू है या लुकअप टेबल है वो सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद कॉमा फोर, यानी कि हमारा जो फोर्थ रॉ है, फिर कॉमा, फिर जीरो, और फिर एंटर। तो एंटर करते ही आपका ट्रिम होके आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। अब मैं इसको भी चेंज करके अगर दिखाऊंगा तो ये भी आपका सेम उसी बेसिस पे वर्क करेगा, जैसे ये वॉचेस का आ गया, ये आपके क्लॉथ के आ गए। और अगर इस डाटा को मैं डिलीट करता हूँ तो जो आपका मेन डाटा टेबल है उसमें से भी आपके सारे नेम्स गायब हो जाएंगे, उनकी जगह ब्लैंक सेल आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने अपना ड्रॉप बॉक्स अटैच किया है वो आपका डिलीट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से कट करके जो अबव डाटा मैंने एक बार मैनेज किया था वहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया, और यहाँ जो ये मैंने एडिट कर रखा है अपनी लास्ट वाली सीट के लिए भी, यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि दोनों ही डाटा एक ही टेबल से हमारा मैनेज हो जाए। ये देखिए मैंने अब यहाँ वो पेस्ट कर दिया, तो हमारे यहाँ डाटा शो हो रहा है। देखना है कि जो आपका डाटा है वो डिलीट ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।